हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? जय माता दी। तो आज नवरात्रि का आठवां दिन है। तो आज मैं माता गौरी के बारे में बताऊंगी, जो कि माता गौरी की पूजा कैसे की जाती है और उनको कैसे ये स्वरूप मिला। तो नवरात्रि के 9 दिन की पूजा के दौरान आठवें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूपा है। महागौरी आदि शक्ति मानी गई है। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। 8 वर्ष की आयु में माता ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। मात्र 8 वर्ष की आयु में घोर तपस्या करने के कारण इनकी पूजा नवरात्रों में 8वें दिन की जाती है। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिसकी इनका शरीर काला पड़ गया। तभी देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव माँ के शरीर पर गंगा जल डालते हैं। इस तरह देवी विदुत के समान अत्यंत कांतिमान और गर्भवर्ण की हो जाती हैं, तथा तभी इनका नाम गौरी पड़ा। तो आज मैं माता गौरी के बारे में मैंने आपको बताया कि उनका पूजन कैसे किया जाता है। तो अब मैं अपने माधव जी को मैंने ये आज सुनाया, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ऐसे माता गौरी की पूजा की जाती है, तो मैं माता गौरी की स्तुति करूँगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो ये माता गौरी के लिए सबको जय माता दी, जय श्री राधे राधे। तो मेरे माधव जी को अब शयन का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा पहले मैं अपने माधव जी को, नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो मैं स्तुति सुनाऊँ। और आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और मेरे वीडियो को ज़रूर देखेंगे। आपको महागौरी के बारे में पता चलेगा कि महागौरी का कैसे मतलब हुआ, नाम पड़ा। तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।